मम्मी मास्टर ने मुझे बताया, ये तो मैं वो जानता हूँ जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मेरे पास इसके सबूत मौजूद है। और ये कि मैं क्यों सबूत पेश करूँ, बात ये है कि जो बात है वो करनी चाहिए। तो जो अशरफ भाई का नाम एक बड़ा नाम है, उनका कराटे से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, खिदमत उनकी बहुत है क्योंकि उनके बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको फॉलो भी करते हैं। ऐसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये आपका जो सफर है, क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, ये जो ओकिनावा जाने का आपको ख्याल क्यों आया? क्योंकि ओकिनावा जो है वो कराटे की जो है पैदाइश कहा जाता है, तो वहाँ आप किस तरह का आपको मधु किया गया या आपने तो आते वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए गए? बेसिकली ये जो मेरी वर्किंग है, मैं अपने फादर के कहने पे यहाँ कर रहा था, और काफी अरसे से मैं एसोसिएशन के साथ भी था, लेकिन मैंने ओकिनावन ट्रेडिशनल कराटे जो है उसको मैंने नहीं छोड़ी। मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता था, उसके बाद रिसर्च करता था, जो थीसिस लिखनी थी वो भी मैं जो है लिखता था, और मैंने वो बायराज मैंने अपने फादर के रेफरेंस पे जो है वहाँ भेजता था। तो वहाँ फेडरेशन के जो ऑनर्स हैं, जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उन्होंने मुझे जो है फॉलो किया और बाद में मुझे कॉन्टेक्ट किया, और पाकिस्तान से पहली बार किसी को जो ऐसा रिसर्चर चुन के वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए और रिसर्च लेने के लिए, क्या रिसर्च किया हमारे ट्रेडिशन के ऊपर, उसके लिए मुझे वहाँ बुलाया गया। तो कितने अरसे की आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिली? मैं वहाँ तकरीबन एक महीने वहाँ मिला, और सुबह शाम हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रैंड मास्टर्स जो इतने वर्ल्ड फेमस हैं कि मतलब अगर उनका नाम आप उसके लिखे यूट्यूब पे तो उनकी बेइंतहा जो है वीडियोज मौजूद है, और बहुत वर्ल्ड फेमस मास्टर्स है, वो उनसे मिलना भी जो है मैं कहता हूँ एक ऑनर है। तो उन्होंने आपको कहाँ पे रैंक किया, क्योंकि पाकिस्तान कराटे में जाहिर सी बात है दो तीन महीने, तो उन्होंने आपको कहाँ पे आपकी रिसर्च को रैंक किया, उन्होंने आपके टैलेंट को कहाँ पे रैंक किया? सबसे पहले तो देखें, जापान की गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट है जापान के अंदर, कसुमी अकबो नाम के ग्रैंड मास्टर है टैंडान, उनके एसोसिएशन रू कराटे फेडरेशन है, उनके क्लब में जाके वहाँ मैंने रिसर्च करी, वहाँ ट्रेनिंग की, वहाँ मैंने एक ऐसा कम्पिटिशन मुझे मेरे साथ करवाया गया एक जैपनीज नेशनल चैंपियन को, जो ऑलरेडी वहाँ का चैंपियन था। तो पहले हमारा काते का जो काता एक फॉर्म होती है, उसके सेगमेंट होता है कराटे में, उसमें कम्पिटिशन कराया जिसमें मैंने उसको मात दी, उसके बाद फिर उसी के बाद जो है वो वीडियो मेंशन भी है, और साथ में जो है एक कम्पिटिशन हमारा कराटे का हुआ जिसमें फाइट हुई हमारी, उसमें भी मैंने उसको जो है 1% का भी चांस नहीं दिया कि वो मुझसे जो है लड़के जीत सके। तो उसमें उन्होंने जो है बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, और वहां पे मुझसे सवाल किए, बहुत पेपर वर्क होता है यहाँ पे, तो लोग अपने नाम के साथ डांग बहुत इजीली लगा लेते हैं, इतना आसान काम नहीं है, हर चीज के लिए पेपर वर्क है, एक रिसर्च है, और देखें पाकिस्तान के अंदर तो आप 3 साल लगा लें तो ना भी सीखें तो मास्टर हो जाएंगे, और आपकी जो आपके बाल सफेद हो जाए तो आपको मास्टर मान लिया जाएगा, वहां ऐसा नहीं है, आपकी पूरे साल की आपकी जितने आपने एयर्स कराटे की है उसकी कंप्लीट उनकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए उनको, उस पर वो बात है। जिस तरह आप बता रहे हैं बहुत माइन्यूटली वो देखते हैं, जब आप वहां पे गए, आपकी उन्होंने रिसर्च को देखा आपकी, क्योंकि आपने जो भी कुछ सीखा अपने वालिद से सीखा या अपनी मेहनत से सीखा, यहाँ पे कोई ऐसे साइंटिफिक आपने कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं ली है जिसको हम कह सकते हैं, तो कोई उन्होंने आपकी जो ट्रेनिंग में कोई खामी निकाली? क्योंकि इस तरह हम क्रिकेट में बात करते हैं कि आर्म इधर से आना चाहिए, जो कलाई है वो इधर से होनी चाहिए, बैटिंग करते हैं, इस तरह भी कोई उन्होंने चीजें निकाली कि आप गलत करते हैं, ये प्रैक्टिस अभी गलत है, इसको यूं कर लें तो इस तरह बेहतर हो जाए? बस ये मेरी पाकिस्तानी कौम की मेरे साथ दुआएं थी, मेरे सब भाइयों की मेरी दुआएं थी, मेरे वालिद साहब की जो मेहनत थी वो रंग लाई, वहां जाकर मुझे जरा भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ कि मैं इल्मी एतबार से कुछ कम था। हाँ, ये जरूर है कि स्ट्रेंथ के अंदर कहीं ना कहीं आदमी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल वर्कआउट है, और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं है तो बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीजें हमारे पास मुहैया ही नहीं है कि हम उसको जो है, और अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी स्पोर्ट्स को देख लें तो हमारे प्रैक्टिकल पहले आया है, उसकी एजुकेशन मौजूद ही नहीं है, बहुत बाद में उसको लेके आया, तो मैं पहला पाकिस्तानी भी हूँ जो एजुकेशन लेके आया पाकिस्तान। अच्छा, आपने एजुकेशन की बात की है, तो अब एक सवाल मेरे जहन में से आया कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि स्पोर्ट्स कराटे और ट्रेडिशनल कराटे, तो ये भी थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि स्पोर्ट्स कराटे और ट्रेडिशनल कराटे में क्या फर्क है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स कराटे में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, नौजवान ज्यादा आ रहे हैं, और इंजरी प्रोन भी मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स कराटे है। लेकिन जिस चीज में जो है गुड्स होंगे, जिस चीज के अंदर इनामत होंगे, जिसमें पैसा होगा, तो वैसे भी कोई भी स्पोर्ट्स को प्रमोट हो जाता है वर्ल्ड के अंदर, आपको पता है। लेकिन ये है कि जो कराटे और ट्रेडिशनल का आपने सवाल किया, ट्रेडिशनल कराटे वो है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, जापान से पहले जो की जाती थी, जिसका रियल आर्ट जिसे हम कहते हैं, रियल कराटे कहते हैं, जो रियल सेल्फ डिफेंस के ऊपर बनाया गया था, जिसकी एक मूवमेंट भी जो है बहुत डेडली हो सकती है, और बहुत कंट्रोल होता है उसका बॉडी के ऊपर आदमी का। और जो स्पोर्ट्स कराटे है बेसिकली वो साइंस बहुत डिफरेंट है, वो रियल कराटे नहीं है, मौजूद है स्पोर्ट्स कराटे बेसिकली 1994 के अंदर ये नुमाया होना शुरू हुई पाकिस्तान में, 90 के अंदर ये पैदा हुई है, तो जो 1990 के अंदर पैदा हुई हो आप पता है उसको आपके ट्रेडिशन मान लेंगे, ट्रेडिशन तो कई सदियों पुराना है, कम से कम एक सदी पुराना तो हो, तो 1990 में तो ये पैदा हुई है स्पोर्ट्स कराटे, और WKF की बात मैं कर रहा हूँ, तो WKF बेसिकली बहुत अच्छा एक सिस्टम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कराटे का, लेकिन ये एथलीट कराटे है। लेकिन तानिश हम इस बहस में क्यों बढ़े कि भाई अगर किसी ने कराटे सीखने है, लेट्स सपोज मैं भी कराटे सीखने जाता हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि वर्ल्ड के ट्रेडिशनल को अलग दूं, स्पोर्ट्स को अलग दूं, बस ये कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं, मुझ पर कोई हिट नहीं कर सके, तो ये भी तो सोच होती है ना लोगों में। बिल्कुल, तो उसके लिए फिर क्या करें, उस बहस में तो नहीं पड़ेगा कि स्पोर्ट्स कौन सा है, ट्रेडिशनल कौन सा है।
देखिए ये तो एक सीखने वाले की अपनी इम्पोर्टेंस के ऊपर है, वो किसको इम्पोर्टेंस देना चाह रहा है। वो अगर सीखना चाह रहा है सेल्फ डिफेंस, बॉडी के अंदर जो एग्जर्शन के साथ वो अपनी स्ट्रेंथ पैदा करना चाह रहा है, पावरफुल होना चाह रहा है, तो वो ट्रेडिशन की तरफ ही आएगा। स्पोर्ट्स कराटे भी एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक हेल्दी कराटे है, स्पोर्ट्स कराटे बेसिकली। लेकिन इसका देखें, चूंकि इसमें फुटवर्क का इस्तेमाल जो है वो एक डेमोस्ट्रेटिवली होता है, आप फुटवर्क करते हैं जैसे कि आप देखें फेंसिंग एक स्टाइल है, फुटवर्क के ऊपर गेम है, तो उससे आपकी नीज मुस्तकिल यूज हो रही है, एंकल आपके मुस्तकिल यूज हो रहे हैं। कराटे के अंदर ये नहीं है, स्पेक्टिवली आपके अटैक आपके अपोनेंट के मुताबिक वो अटैक किया जाता है इसके अंदर। इसमें क्या है कि आपको फुटवर्क करते रहना है, चाहे आप पॉइंट लें ना लें, आपने टच करना है, टच करने से तो ये कि आपके अंदर अटैकिंग पावर जीरो हो जाएगी क्योंकि आपको टच करने की आदत हो रही है, प्लस आपका फुटवर्क जब यूज हो रहा है तो नीज और एंकल की एज मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि अगर बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग है, उसकी फीट है, उसकी न्यूट्रिशन है, उसके बाद ही 15 ईयर से ज्यादा वो अपने आप को नहीं चला। पाकिस्तान में इस वक्त क्या इन है, ज्यादा ट्रेडिशनल इन है या स्पोर्ट्स कराटे? लेकिन दोनों ही इन है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ जो है बेसिकली अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा एक बुरान भी है कि कराटे को सिर्फ एक चीज समझा जाता है। स्पोर्ट्स कराटे की एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है और वो वर्ल्ड के अंदर खेलती भी है, साउथ एशिया के अंदर चैंपियंस भी मौजूद है, तो वो इन चीजों के ऊपर देखकर सिर्फ एक कराटे को जो है प्रमोट करती है, ट्रेडिशन को साइड। अच्छा, अभी सादी अब्बास गए, सादी अब्बास ने पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल की, सादी अब्बास को आप कहाँ पे रिलेट करेंगे, वो वर्ल्ड में आते हैं ट्रेडिशनल में आते हैं या स्पोर्ट्स में आते हैं? बेसिकली वो वर्ल्ड में तो है और साउथ एशिया के अंदर देखिए हमारे चैंपियन है, हमारे लिए एजाज है, हमारा एक हीरो है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है एक, और हम उसकी बड़ी कदर करेंगे। लेकिन ये सादी अब्बास स्पोर्ट्स कराटे का है, ट्रेडिशनल कराटे का और रियल कराटे का नहीं है, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है, WKF एक प्लेटफॉर्म है जहां पर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, आप लोग आपस में मुकाबले होते हैं स्पोर्ट्स कराटे वालों के और ट्रेडिशनल वालों के? हो नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि जो पैटर्न ट्रेडिशनल कराटे का है उससे जरा अलग है ट्रेडिशनल कराटे के स्पोर्ट्स कराटे। हाँ, इस वजह से तो क्यों नहीं हो सकते, मतलब हम जैसे हम एक ले मैनू में कॉमन मैनू में मैं जब कराटे से एक ही चीज सहन में आती है तो क्या टेक्निक में फर्क है, पॉइंट सिस्टम में कोई फर्क है, या जो उसके जो टर्म्स आप यूज करते हैं टर्मनोलॉजीज है उसमें कोई फर्क है, या जो आपका एक स्पैन होता है टाइम पीरियड होता है उसमें कोई फर्क है, क्या फर्क है? देखिए फाइट तो 3 मिनट्स की होती है, जो एवरेज एक टाइम होता है हमारा 3 मिनट्स की, उसमें फैसला करना होता है कि कंपटीशन के अंदर जो है कंपटीटर जो है वो आपके पॉइंट कौन ज्यादा स्कोर कर ले, तो वो सब चीजें सेम होती है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रेडिशनल आर्ट के अंदर आपने अपनी रियल लाइफ को जो है मेंटेन करना होता है, रियल में अगर आपके साथ कुछ हो जाए ऐसा हादसा तो उसको फॉलो करते हैं वो एक फाइट पैटर्न बनाए। अच्छा, वापस जरा ओकिनावा की तरफ आते हैं, हमने थोड़ी सी आपसे वो ली जनरल इन्फॉर्मेशन ली, आप जापान की पार्लियामेंट में गए, सपोरो की पार्लियामेंट में गए, गवर्नर ने आपको ऑनर दिया, तो वो मुख्तसर बताएगा क्योंकि दूसरे गेस्ट भी मेरे साथ मौजूद है तो मुझे थोड़े दूसरे गेम की तरफ भी आना होगा, तो वो मुझे बताएगा वो क्या सिलसिला रहा। देखिए जब मैं पूरी सर्च में ओकिनावा जब गया जापान के बाद तो वहां भी मैंने डिफरेंट मास्टरों के साथ उनके इंटरव्यूज मौजूद है जिन्होंने गुड वर्ड्स मेरे लिए बोले, और आपको पता है कि जापान एक बहुत ही सच्चा मुल्क है, सच को पसंद करते हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने वहां पे मेरे लिए जो वर्ड्स बोले, जो मेरे पाकिस्तान के लिए वर्ड बोले, मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर था, मेरी कॉम के लिए भी ये ऑनर होगा यकीनन। तो वहां पार्लियामेंट के अंदर जो गवर्नर थे उन्होंने विद इन हाफ एन आवर इस चीज का एक्शन लिया और फौरी तौर से जो है शॉर्ट नोटिस के ऊपर मुझे जो है पार्लियामेंट के अंदर बुला के मुझे ऑनर दिया और एक लंच भी दिया, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा मेरी अचीवमेंट, मेडल ट्रॉफी तो देखिए हम अर्न कर लेते हैं, इज्जत कमाना और पाकिस्तान के लिए कुछ, जापान की पार्लियामेंट में बैठना, एक शहर की पार्लियामेंट में बैठना एक बड़ा ऑनर है। अच्छा, वो बताइएगा वो किसका क्या था कि वो जब वहां पे आपको एक ग्रैंड मास्टर ने जो टच किया और आपको पता भी नहीं चल सका और आप बहुत दूर जाके गिर रहे, वो क्या था? बेसिकली ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट की बात हम कर रहे थे, वो भी इस पास इंटरेक्ट करूंगा मैं, कि ट्रेडिशनल आर्ट के अंदर उस मास्टर ने मुझे जो है वो प्रेशर पॉइंट्स को जानते हैं, वो आपकी जो कमजोर जगहें हैं, जो जिन जगहों को मारने के बाद आपको फौरी से फेंट बॉडी हो जाती है, सारी चीजें वो जानते हैं, प्रेशर पॉइंट की तालीम दी जाती है। ये वाजे फर्क है स्पोर्ट्स कराटे का और ट्रेडिशनल कराटे का, जो वो जानते हैं बेहतर। तो उन्होंने मेरे साथ जो है कुछ टेक्निक्स की, मैंने अपने काटे की फॉर्म करी जिसमें उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ को, मेरी पावर को चेक किया और बकायदा सराहते हुए कहा कि वो वेरी स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, और वन टच एक टच किया मुझे मैं पैरालाइज हो गया, मुझे खुद याद नहीं कि वो हादसा था या क्या था, एक ख्वाब की तरह मेरे साथ था, मुझे नहीं पता चल सका कि मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, मैं बात कर रहे हैं दानिश खान से, वक्त बड़ा महदूद है, गुफ्तगु इनसे बड़ी जबरदस्त हो रही है, हमारी कोशिश तो ये होगी कि आइंदा भी किसी शो में इनको बुलाएं। ओकिनावा की ये बात कर रहे हैं तो अपने व्यूअर्स को हम बताते चले, ओकिनावा वो जगह जहां कराटे की पैदाइश हुई, कराटे का खेल वहीं से इसका आगाज हुआ, और ओकिनावा में जिस तरह हमारी दानिश से प्रेम से पहले बात हो रही थी, इन्होंने हमें बताया कि जो एवरेज एज है वो 150 साल है, तो इतने ज्यादा वो फिट होते हैं, इसकी क्या वजह है कि 150 साल तक फिट भी होते हैं और कराटे भी कर रहे होते हैं? देखिए आज हम स्पोर्ट्स साइंस को गौर से अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स के अंदर साइंस सेम ही है, वो पहले भी जो है मेडल्स लिए जाते थे, आज भी मेडल्स लिए जाते हैं, लेकिन क्या चीज किस ना बॉडी को यूज करना है, बॉडी यूज जो है आपका, तो जो ओकिनावा के लोग हैं वो एक असल हकीकत कराटे की जानते हैं क्योंकि वो उनसे ही निकला है,
और रियल आर्ट जानते हैं, तो वो उस आर्ट को करते हैं बेहतर तरीके से, तो उनको फायदा ज्यादा होता है। और जब हम डेमोस्ट्रेटिवली अपनी बॉडी को यूज करते हैं, गलत यूज करते थे, उसमें बॉडी अभी कम यूज होती है, लाइफ कम हो जाती है। दानिश थैंक यू सो मच, आप कराटे की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जिस तरह से आपने अभी प्रोग्राम के तहत बताया था कि जो आप डीएमसी से भी वाबस्ते हैं और वहां पे भी आप बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आपका जारी रहेगा, जो इल्म आपके सीने में मौजूद है वो बिल्कुल आप दूसरों को भी ट्रांसफर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दानिश खान हमारे साथ मौजूद थे, सिख डैन कराटे मास्टर, और इन्होंने जय ओकिनावा में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिस तरह हमने प्रोग्राम में कहा भी कि जो कराटे की जायद पैदाइश है, और यकीन हमारी जो मुख्तसर सी गुफ्तगू लेकिन पुरमगज जो गुफ्तगू थी उस कराटे के खेल के बारे में दानिश खान के बारे में जरूर आगाही हासिल हुई होगी। इस वक्त हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे स्नूकर की फील्ड के दो चैंपियन, जिन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में अपनी कारकर्दगी के जरिए बुलंद किया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चाहिए ताकि पाकिस्तान के लिए मजीद अच्छे कारनामे अंजाम दे सके, पाकिस्तान के लिए मजीद जो है लॉरेंस और मेडल लेकर आ सके। हमारी कोशिश और काविश आपको कैसी लगी इतने नाकी आ रहा था हमें इंतजार रहेगा। हमारे साथ आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद थे कराटे मास्टर दानिश खान और उसके बाद सज्जाद और आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया का हमारे साथ मौजूद रहे। नाजिन आपकी आ रहा है, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले किसी शो में आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को उस वक्त तक के लिए स्पोर्ट्स क्लाइमेट से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।